थैलेसीमिया दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, नीति आयोग के सदस्य वीके पाल जी, आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद अग्रवाल जी, थैलेसीमिया इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमान दीपक चोपड़ा जी, गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन अजय स्वरूप जी, शोभा तुली जी, दीपक सूद जी और विशेष रूप से सभी पधारे गणमान्य नागरिकगण, अतिथिगण और विशेष रूप से थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी के लिए खुद भी पीड़ित हैं और समाज को भविष्य में थैलेसीमिया से कोई बच्चा थैलेसीमिया पीड़ित न हो इसके लिए कई लोग, कई परिवार लगातार समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी वर्षों से थैलेसीमिया पीड़ित माता पिता को देखा है, उनके बच्चों को देखा है, परिवार की स्थिति को देखा है, किसी का एक बेटा है, किसी की एक बेटी है, किसी की एक बेटा बेटी है, लेकिन जीवन भर वो थैलेसीमिया बच्चों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं और समाज में अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में किसी बच्चे के थैलेसीमिया न हो। मैं इसके लिए गंगाराम हॉस्पिटल को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। जिस अस्पताल की नींव सर गंगाराम जी ने धर्मात्मा चिकित्सा के रूप में रखी थी, उनका प्रयास था कि चिकित्सा क्षेत्र के अंदर हम किस तरीके से धर्मा संस्थान के रूप में हॉस्पिटल को चलाएं। एक नन्ना सा पौधा लगाया था, आज देश का प्रमुख अस्पताल हो चुका है। और मैं विशेष रूप से डॉक्टर अनुपम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने एक दिशा दी है कि सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर अभी तक 50,000 लोगों की डिलीवरी हुई है लेकिन एक भी बच्चा थैलेसीमिया का पीड़ित नहीं मिला। और सही कहा दीपक चोपड़ा जी ने कि देश में लोकसभा के सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों, नगरपालिका के सदस्यों, पंचायत राज के सदस्यों, जिनको जनता चुनकर भेजती है, बड़ी अपेक्षाओं आकांक्षाओं से चुनकर भेजती है, वो जनता का नेतृत्व करते हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वह सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से अपने क्षेत्र की जनता के अंदर ऐसी कोई भी गंभीर बीमारी, जिसमें थैलेसीमिया भी एक है, ऐसी गंभीर बीमारियों के रोकथाम के लिए उनके जन आंदोलन के प्रयास होने चाहिए। और ये जितनी चुनी संस्थाएं सामूहिकता के साथ मिलकर प्रयास करें, अपने अपने क्षेत्र के अंदर जनता को जागरूक करने का प्रयास करें, जन आंदोलन खड़ा करें, तो हमारा जो सपना है थैलेसीमिया मुक्त भारत, वो थैलेसीमिया मुक्त भारत जब भी हो सकता है
जब सामूहिक प्रयासों से हम काम करें, क्योंकि हमारे कई इलाके, कई आदिवासी इलाके, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी शिक्षा का अंधकार है, शिक्षा न पहुंचने के कारण बीमारियों के होने के कारण बीमारियों के प्रभाव की जानकारी नहीं है। इसलिए जब विद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर जो पढ़ने वाला नौजवान हो, उसको कुछ ऐसी गंभीर बीमारियों को जो भविष्य के अंदर कैरियर के रूप में आती है, उसको रोकने के लिए जानकारी होना चाहिए, रोकथाम के क्या इंतजाम है, कैसे रोका जा सकता है। अब सरकार ने भी दिशा बनाई है कि होने वाली गंभीर बीमारियों के रोकथाम के लिए रिसर्च, इनोवेशन और जो बेहतर विकल्प हो सकते हैं उसके लिए सरकार ने बड़ा बजट रखा है। आने वाले समय के अंदर आज के दिन हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि उन थैले से में आप पीड़ित बच्चों की दयनीय स्थिति, उनकी हालात को देखते हुए हम कैसे समाज को जागरूक कर सकें। मुझे याद है कि अभी तो हमारे समाज में जागृति आई है, इसलिए रक्तदान के लिए हमारे नौजवान आगे बढ़ के रक्तदान करते हैं। कोई समय था जब रक्त मिलना बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसके साथ साथ हमें उस अंतिम पड़ाव तक पहुंचना है जो ऐसी बीमारियां हैं जो कैरियर बीमारियां हैं, एक दिन तो हमारे संकल्प से समाप्त हो ही सकती है। और हमारे डॉक्टर विशेषज्ञों ने, नीति आयोग ने भी कोई मैंने आग्रह किया है कि इसके लिए राज्य सरकारों से भी बात करनी चाहिए और एक सामूहिक कार्य योजना बनाना चाहिए कि सब जगह उसकी ठीक से स्क्रीनिंग हो, स्क्रीनिंग करने का व्यापक अभियान चले। जब शादी होने के पहले स्क्रीनिंग होने का अभियान हो, शादी के बाद हो और सामूहिक विवाह सम्मेलन हो, चाहे किसी भी तरह के विवाह समारोह हो, उसमें नीचे तक लोगों में ये प्रयास होने चाहिए कि हमें थैलेसीमिया के स्क्रीनिंग कैंप वहां लगाएं और सब मिलकर कैंप लगाएं तो हम थैलेसीमिया को एक दिन समाप्त कर सकते हैं। कोई कठिन चुनौती नहीं है, इस चुनौती को हमें सामना करना है और देश से थैलेसीमिया मुक्त करना है। आज हमारा यही संकल्प है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।